हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाई थी। एंड दोस्तों, बीपीएससी TRE3 का जो 9th-10th का एग्जाम 16 मार्च को पड़ा था, उसको निरस्त कर दिया गया है। दूसरा डेट आएगा जल्द ही, और आप ये मत सोच लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा डिले होगा। आप अपना तैयारी निरंतर करते रहिए, और आपको अच्छा है कि एक और मौका मिल रहा है कुछ दिन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, और एक भी क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो जितना भी वीडियो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और बीपीएससी TRE2 में प्रैक्टिस कराया हुआ है, सारे वीडियोज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैं डेली बेसिस पर करा रही हूँ उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का एग्जाम कर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा आप बीपीएससी TRE2 के ही उठा के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ ना आया हो। वनली उसमें 5 ऑप्शन करके आप सबको कंफ्यूज किया गया है, एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो एक से अधिक वाला ऑप्शन के चलते माइंड जो है वो सबका घूम जाता है, और आया क्वेश्चन वही था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था दोस्तों। बस जो भी अच्छे से तैयारी किया हुआ है और अच्छे से, बस वहाँ पे परीक्षा हाल में आप अपना माइंड बस शांत रखिएगा, ध्यान करके जाइएगा, और जो भी पढ़े हैं उसी में से आपका होगा। सीट बहुत कम है दोस्तों, इसको देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी अपना 100% दीजिए, परिणाम जो भी होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन है दोस्तों, खेल विधि का विशिष्ट लक्ष्य क्या है? तो खेल विधि के जन्मदाता कालवेल कुक हैं, और किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल। याद रखिएगा दोनों चीजों को। और खेल विधि का विशिष्ट लक्ष्य क्या है? तो इसका विशिष्ट लक्ष्य है दोस्तों, शिक्षा जो है बिना खेल के पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है। खेल खेल में शिक्षा देना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जो है उसमें उबर न हो, बोरिंग न समझे, उसको खेल समझे, उनमें रुचि बढ़े। इसलिए खेल विधि अच्छा विधि है, बिना खेल के जो है शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का योगदान क्या है? तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का योगदान किंडरगार्टन विधि से उन्होंने शिक्षा में प्रयोग किया। नेक्स्ट दोस्तों, मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति कब पारित की गई? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति पारित किया गया 1835 में। दोस्तों, अग्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला यही लॉर्ड मैकाले है। नेक्स्ट है, छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के महत्व को आप कैसे पैदा करेंगे? तो दोस्तों, क्या करेंगे हम? प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देकर हम छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को पैदा करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों, आपका पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। यदि आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिए हैं, बीबीएड किए हुए हैं, तो ये निर्धारित करता है कि आप खेल टीचर बनेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको ये निर्धारित करता है कि आप एक हिस्ट्री के लेक्चरर या टीचर बनेंगे। तो ये जो पाठ्यक्रम है वही निर्धारित करता है शिक्षा की दिशा का। नेक्स्ट है दोस्तों, कि छात्रों के काम का उचित मूल्यांकन के लिए निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि? तो दोस्तों, छात्रों का काम का आपने कितना अभी तक ज्ञान अर्जन किया है, कितना ट्रेनिंग दिया है, उसका मूल्यांकन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है कहाँ तक है, और क्या क्या कमियां हैं, अभी क्या क्या सुधारना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि साल भर बच्चा जो है उस साल भर पढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे कि मेरे में एक कमी है, इसको सुधारना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए दोस्तों, उनसे शुद्ध उच्चारण को दोहराने के लिए कहेंगे, और उनको शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, और शब्द को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट पर लिख देंगे। तो उपरोक्त सभी विधि को अपनाएंगे बच्चों के उच्चारण को सुधारने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप मैप या नक्शा बता रहे हैं बच्चों को, सबसे पहले हम दिशा का ज्ञान बताएंगे, नक्शे में दिशा का ज्ञान सबसे पहले बताएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय क्या है, स्कूलों में छुट्टियां घटा दी जाए कि अध्यापकों को खाली पीरियड न दिया जाए। तो दूसरा ऑप्शन तो रॉन्ग है। तीसरा है, रविवार को छुट्टी समाप्त कर दी जाए, ये भी रॉन्ग है। डी है, प्रतिदिन पढ़ाई का समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि समय बढ़ाने से अच्छा शिक्षा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, स्कूलों में छुट्टियां घटा दी जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मातृभाषा में पढ़ेगा तो अपने स्वाभाविक वातावरण में पढ़ेगा, जल्दी सीखेगा, तो बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है ऐसे कंडीशन में। नेक्स्ट है, वनस्पतिक प्रोटीन में सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो वनस्पतिक प्रोटीन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, वनस्पतिक प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। जैसे कि जो प्रोटीन होता है एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन होता है, जिसे वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। और जो पशुजन्य प्रोटीन होता है एनिमल प्रोटीन, क्रासीय प्रोटीन, उसमें जो 8 या 9 एसेंशियल प्रोटीन होते हैं उसमें से 5 होते हैं, जैसे कि मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कैसिनोजीन, ग्लोब्यूलिन, वाइटेलिन। तो जो ये 5 एनिमल प्रोटीन है, मायोसिन जो है वसा रहित मांस मछलियों से प्राप्त होता है, एल्ब्यूमिन जो है अंडे के सफेद वाले भाग से प्राप्त होता है, और दूध के लैक्ट एल्ब्यूमिन से प्राप्त होता है, रक्त प्लाज्मा के सेरम से प्राप्त होता है। और जैसे कि आपको अंडे के जो है सफेद वाले भाग से एल्ब्यूमिन, अंडे के पीले वाले भाग से वाइटेलिन नामक विटामिन प्रोटीन पाया जाता है, और कैसिनोजेन जो प्रोटीन होता है दही व पनीर से प्राप्त होता है, और ग्लोब्यूलिन रक्त में होता है। एंड वनस्पति प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन क्लास बी प्रोटीन में ग्लूटीन, लेग्यूमिन, जेलेटिन आदि होता है। ग्लूटीन जो है गेहूं तथा अन्य अनाजों से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक में बता रही हूं दोस्तों, आप एक एक लाइन जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ध्यान से सुनिएगा। तो वेजिटेबल प्रोटीन में ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटीन गेहूं तथा अन्य अनाजों में पाया जाता है। और लेग्यूमिन जो होता है वो फलियों वाले पौधों, सब्जियों व दालों में पाया जाता है। एंड जेलेटिन जो होता है वनस्पति के उत्तकों से प्राप्त मांड खमीर में प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता है जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में अमीनो अम्ल में टूट करके हमको ऊर्जा देता है। प्रोटीन का काम होता है हमारी पेशियों, हड्डियों, चमड़ी, बालों सभी जगह, मतलब कि शरीर की वृद्धि और टूट फूट का मरम्मत करना, पुनः उत्पादन करना प्रोटीन का कार्य होता है। एंड प्रोटीन जो है वो प्रत्येक जीव की कोशिकाओं के जैव रस यानी कि प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में आवश्यक जो हमारे शरीर में जो है अमीनो अम्ल है यानी जो प्रोटीन है अमीनो एसिड, वो 20 से 22 पाए जाते हैं, जिसमें से एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल यानी आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड होता है। इसमें से आवश्यक जो है 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल यानी कि अनावश्यक जो है 13 होते हैं। जो आवश्यक होते हैं इसेंशियल वो भोजन से प्राप्त यानी बाहर से भोजन से प्राप्त लेना पड़ता है। जो 13 अमीनो एसिड्स होते हैं नॉन एसेंशियल वो शरीर स्वयं निर्माण करती है भोजन के पाचन के बाद। दोस्तों, जैसा जो इसेंशियल अमीनो एसिड है 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो भोजन से प्राप्त होता है, तो इसमें आपका है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रियोनाइन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के निश्चित मात्रा से मिलकर बना होता है। वसा जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अनिश्चित मात्रा से मिलकर बना होता है। जो अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो एक अलग तत्व पाया जाता है नाइट्रोजन प्रोटीन में। अब प्रोटीन के कमी से दोस्तों क्वार्सियोकर एंड मरास्मस रोग हो जाता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में
जो है कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे पहले ऊर्जा देता है, वो जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है तो वसा से ऊर्जा मिलता है, जब वसा भी ख़त्म हो जाता है तो प्रोटीन जो है प्रोटीन का उपयोग करके ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। एंड दोस्तों, जैसा कि प्रोटीन मीट, अंडा, मछली, दूध से निर्मित पदार्थ एंड आदि में पाया जाता है, जैसे कि पूर्ण प्रोटीन जो है मीट, अंडा, मछली, दूध से निर्मित पदार्थ को पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। अपूर्ण प्रोटीन में अनाज, फल और सब्जियां आती हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में काम आने वाले विभिन्न पाचक रसों तथा हार्मोन्स का निर्माण करने में निम्न सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों, यह है प्रोटीन। शरीर में काम आने वाले विभिन्न पाचक रसों तथा हार्मोन्स का निर्माण करने में सर्वाधिक सहायक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन और खनिज लवण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हार्मोन्स का भी बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वार्सिउरकर तथा मरासमक नामक रोग बच्चों में निम्न की कमी से पैदा होता है। तो दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्सिउरकर एंड मरासमस नामक रोग हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो आपको ऐसा जब क्वेश्चन आए दोस्तों, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग होगा, तो चारों ऑप्शन को देखिए कौन कौन ऑप्शन आपको आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मरासमस एंड क्वार्सिउरकर दोनों प्रोटीन की कमी से होता है, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग होता है, कीटोसिस रोग होता है। नेक्स्ट है पर्वतारोहियों, ठीक है, पर्वतारोही व्यक्तियों के भोजन में सर्वाधिक आवश्यकता निम्न की होती है। तो पर्वतारोही मतलब उसमें एंड्योरेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को क्या ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ऐसे व्यक्तियों को जो इसमें एंड्योरेंस डेवलप करना है एंड सहनशीलता चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है एरोबिक क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट की। अन एरोबिक जिसमें मसल्स बिल्ड करना है उसमें प्रोटीन की जरूरत होती है। मसल्स बिल्ड यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो 4-5% होता है दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा किस में होती है। तो दोस्तों, चावल, चना, शहद, सभी गुड़, सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बट गुड़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इस जो आसन दिया है इसमें गुड़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 100 ग्राम गुड़ में कम से कम 99% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम चावल में 74-75%। नेक्स्ट दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीब निम्न ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से यानी फैट से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी नामक बीमारी निम्न की अधिक मात्रा लेने से होती है। तो दोस्तों, वसा की अधिक मात्रा लेने से, अनसैचुरेटेड फैट लेने से, ज़्यादा मात्रा में लेने से आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता है। और सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, जैसे कि बादाम, मूंगफली, ये सभी चीज़ें आपको ऐड करना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल, और ये आपके लिए अच्छे हैं, वसा यानी फैट के अच्छे स्रोत हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति निम्न में से होती है। तो दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है वसा से। वसा से 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से 4.1। तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो वसा से। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में निम्न सर्वाधिक सहायता करता है।
तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो लोहा होता है, आयरन होता है, सबसे अधिक निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, तो हीम यानी आयरन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है आयरन के कारण ही लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के हमारे कोशिकाओं तक जाता है, और वहां कोशिकाओं में पहुंचा करके माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, जहां कोशिकीय शोषण संपन्न होता है, वायवीय शोषण संपन्न होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जो है जो ग्लूकोज होता है ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और वो जो एटीपी होता है जो भी हम कार्य करते हैं उसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे शरीर के समस्त मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो वो निर्माण करता है आयोडीन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण कौन करता है? आयोडीन। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके बीपीएससी टीआई 2 में कि कौन सा खनिज शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है, तो वो होता है आयोडीन, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पाचक एंजाइमों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो दोस्तों खनिज लवण एंड विटामिन जो होता है पाचक एंजाइमों में निर्माण करता है, पाचक एंजाइमों का निर्माण करता है, ये ऊर्जा नहीं देता, पाचक एंजाइम को निर्माण करके जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा उसको पचाने में अच्छे से मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में मदद करता है खनिज लवण एंड आयोडीन विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, विभिन्न पाचक एंजाइमों के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो होता है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। नेक्स्ट, दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कैल्शियम फास्फोरस जो होता है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, रिकेट्स नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से हो जाता है? तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी में होता है कैल्शियम ज्यादा, तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे प्रमुख स्रोत है दोस्तों दूध में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कैल्शियम का कितना परसेंट भाग दांतों तथा अस्थियों में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्योंकि जितना भी कैल्शियम हमारे शरीर में होता है इसका 98-99% भाग केवल अस्थियों दांतों में पाया जाता है। यहाँ पे कोई 98-99% दिया नहीं है, यहाँ पे सही ऑप्शन दिया है 18%, लेकिन मेरे ख्याल से 98-99% यानी सबसे ज्यादा भाग हमारे दांतों हड्डियों को कैल्शियम का भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त को शीघ्र जमाने में सर्वाधिक सहायक कौन है? जो चार ऑप्शन है, सबसे शीघ्र जमाने में सहायक है कैल्शियम। तो दोस्तों विटामिन में अगर पूछे कि रक्त को जमाने में कौन कार्य करता है, तो विटामिन के। खनिज लवण में पूछे तो कैल्शियम, रक्त में पूछे तो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और ब्लड सेल्स में पूछे तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। ये सभी चीजें आपको याद रखना है, सभी चीज रक्त को जमाने में ही कार्य कर रहा है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि सभी खाली जो है प्रोथोम क्या कहते हैं प्लेटलेट्स को ही याद किए रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जल नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो दोस्तों जो हमारा नमक होता है सोडियम, वो होता है जल यानी कि हमारे शरीर में जल को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। जैसे कि कैल्शियम जो है हमारे रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है, पोटेशियम जो है हमारे जो तंत्रिका सूत्र होते हैं उसको लाने ले जाने का कार्य करता है, यानी जो संदेश होते हैं हमारे मस्तिष्क से मसल्स तक और मसल्स ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक, इन तंत्रिका सूत्रों को संदेशों को लाने ले जाने का कार्य करता है पोटेशियम। सोडियम जो होता है जो नमक होता है वो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाता है अधिक, और जब सोडियम की ज्यादा मात्रा हो जाती है हमारी बॉडी में तो बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। और जो लोहा होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, पेशी निर्माण में सहायक होता है, और जो आयोडीन होता है दोस्तों वो हमारे शरीर की आयोडीन क्या होता है हमारे शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है। एंड सल्फर जो होता है वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैं एक एक चीज बता रही हूँ आपको,
प्रोटीन की निर्माण में कौन सहायक होता है? सल्फर एंड मैग्नीशियम जो है हमारे जो किडनी होता है उसमें पथरी बनने से रोकता है। और क्लोरीन जो होता है शरीर में क्लोराइड के रूप में होता है जो जठर रस का आवश्यक तत्व होता है। और क्रोमियम जो होता है दोस्तों वो इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। कोबाल्ट जो है B12 के निर्माण में सहायक होता है। जो जिंक होता है एंजाइमों के कार्यों में सहायक होता है। और मैग्नीज जो होता है सबसे बड़ा स्रोत उसका चाय होता है। जो मॉलिब्डेनम होता है वह सह एंजाइम यानी को एंजाइम का काम करता है जो एंजाइम को तत्पर करता है। अनुवांशिक तत्वों के निर्माण में सहायक होता है मॉलिब्डेनम, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और जो फ्लोरीन होता है फ्लोरीन दांतों में पाए जाते हैं जो इनेमल के निर्माण में सहायक करते हैं। इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। जो सेलेनियम होता है वो विटामिन सी के उत्पादन में सहायक होता है, थायराइड के विकास में सहायक होता है एंड इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। तो दोस्तों जो मैंने बताया अभी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, आप एक गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सर्वाधिक मदद करता है। तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि तंत्रिका सूत्रों को लाने और ले जाने का काम करता है पोटेशियम। कौन करता है दोस्तों? पोटेशियम। नेक्स्ट है लाल रक्त कणों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक कौन होता है? तो आप इसको पढ़ते पढ़ते एकदम रिपीट हो गया है ये क्वेश्चंस। तो दोस्तों लाल रक्त कणों के निर्माण में सहायक होता है लोहा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में पूछेगा तो भी लोहा आयरन, और लाल रक्त कणों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक भी पूछेगा तो भी लोहा यानी आयरन। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो पढ़ा है हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन सहायक होता है और लाल रक्त पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों में आयरन होगा, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम के अभाव में निम्न रोग हो जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकेट्स जो है विटामिन डी यानी कैल्शियम के कारण कमी के कारण होता है बच्चों में। अब बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, मनास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। तो जो रिकेट्स होता है बच्चों में होता है कैल्शियम की कमी से, जबकि कैल्शियम की कमी से प्रौढ़ावस्था में पूछा है तो ऑस्टियो मलेशिया हो जाता है, ठीक है, ऑस्टियो मलेशिया राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप सबको पता है 72 बार। जबकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में 180 बार प्रति मिनट पहुंच जाता है। जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं एक ट्रेंड हो जाते हैं उस कंडीशन में 40 से 50 बार हमारा हार्ट रेट सामान्य स्थिति में हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति में सोडियम की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति में सोडियम की मात्रा होती है 120 ग्राम। नेक्स्ट है किसकी कमी से शरीर का निश्चित अम्लीय क्षारीय माध्यम में संतुलन नहीं रख पाता है? तो दोस्तों अम्ल क्षार का संतुलन करता है सोडियम या नमक, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम राइट होगा दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने भी मैं क्वेश्चंस को बना रही हूँ डेली बेसिस पे, मैं आपको टाइम निकाल करके, टाइम तो आप मेरे पास होता नहीं है दोस्तों, डेली बेसिस पे 9 से 5 स्कूल होता है, और फिर भी मैं आप लोग के लिए टाइम जो निकाल रही हूँ उसको आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।